ऐसा कहते हैं दोस्तों कि आप अपनी कौन सी चीज़ है जो प्राइवेट रख सकते हैं, तो प्राइवेट रखने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं इंसान में और वो बहुत किसी से बताता है, किसी से नहीं बताता है। और बड़े विडम्बना की बात यह है कि कौन किससे कह रहा है और कितना छुपा रहा है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि ये सवाल आए कि हमें दूसरों से अगर वो कौन सी तीन चीज़ें जो छुपानी चाहिए और अपने तक सीमित रखना चाहिए, तो आज का ट्रायंगल थ्योरी क्या है मैं अपने नज़रिए से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने घर के विषय में वो जितनी जानकारी आप जो आम तौर पे मैं देखता हूँ लोग बड़े आसानी से दे देते हैं कि मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, तमाम बातें बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें जो प्राइवेट होती है जो आपके चार दीवार के अंदर होती है और आप स्पेशल रिलेशनशिप के तहत उनके साथ उनके साथ निभा रहे होते हैं, वो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। घर की बातें, एटलीस्ट वो बातें तो नहीं आना चाहिए जो आपके प्रॉक्सिमिटी में होती है, प्राइवेट स्पेस में होती है। फॉर एग्जांपल एक पति और पत्नी की बातें वो किसी तीसरे को बिल्कुल नहीं मालूम होनी चाहिए। परिवार में अंदर में जो जो चल रहा होता है वो दूसरों को मालूम ना हो तो अच्छा है। हमेशा एक अच्छा पिक्चर ही दो ताकि समाज हमारा विकसित है, बड़ा है, दूसरे जो समझे वो अच्छा ही समझे। अक्सर जो लोग देख के समझते हैं और उन्हें वो अच्छा लगता है तो इसमें बुराई क्या है, अच्छा लगना चाहिए। आप किसी के प्रेरणा स्रोत बनते हैं तो अच्छा है। ऐसी अवस्था में जब आपके मुंह से गलती से कुछ निकल जाए कि मेरा पति या मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरा भाई, तो दूसरों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं आप, जबकि आपको अहमियत देना है अपने परिवार के लोगों को। तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि घर की बातें वो बाहर ना जाए तो अच्छा है। और सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई स्पेशल फ्रेंड होते हैं आपके उनको बताया है, तो ये आपका आपका स्वयं खुद का कंट्रोल है, आपका खुद का निर्णय रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, पहला। दूसरा, आप कितना कमाते हैं साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जितना कमाता हूँ कमाता हूँ यार, खुश हूँ, देखो चेहरे पे हंसी है, अपने परिवार को खुश रखता हूँ और मेरा लाइफस्टाइल है जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, भले आप जैसा ना हो लेकिन ठीक है, तो कमा लेता हूँ यार, खुश जितनी खुशी खरीद सकता हूँ अपने लिए उतना कमा लेता हूँ। अच्छा जवाब है बट ये सवाल बहुत गलत है। लोगों को पैसे से नहीं तौलना चाहिए। अगर आपको तौलना ही है तो उनके अच्छे स्वभाव से तौल सकते हैं, अच्छे कार्य से तौल सकते हैं, अच्छे कौशल से जो उनके पास है उससे तौल सकते हैं। अरे उनकी वैल्यू से तौल लीजिएगा, उनकी वैल्यू पैसों से मत नापिएगा, ये गलत तरीका। तो एक वो भी तरीका है कि आप कमाते हैं कितना कमाते हैं, ये तो हर सर्कल में जाइए, लेकिन हर सर्कल में लोगों को सोचने पर जस्ट कीप देम गेसिंग कि वो सोचते रह जाए कि हाँ ये बंदे का अच्छा है, ये बंदे का ठीक है, बट उधार की ज़िंदगी मत लीजिएगा। एक उधार की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। इसलिए इनकम एक ऐसी चीज़ है जो शायद इनकम सोर्स आप बता सकते हैं कि भैया मैं नौकरी करता हूँ और ठीक ठाक है चलो, और ये चंद लोगों से चंद दोस्तों के जो इनर सर्कल है आपके उनको बताया तो चलता है, लेकिन ये विषय ही नहीं है पूछने का और ये विषय नहीं बताने का मेरे हिसाब से। तीसरा, आप कुछ प्लान कर रहे होंगे और मान लीजिए जैसे डाइटिंग प्लान कर रहे होंगे और आपने लोगों को बता दिया अरे मेरा अगली बार अगले हफ्ते से तो देख लो आप मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बहुत लोग आपको सामने से सुनेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, आप की वाहवाही करेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग ये भी बोले तुझसे नहीं होने वाला क्योंकि ये हजार बार बोल चुका है, अब हो गया जो आपका था वो अब आपका नहीं रहा, अब वो कॉमन हो गया, अब आपको जिद करना पड़ेगा अपने खिलाफ, तो फिर बताया क्यों? तो जो आपका नेक्स्ट मूव होता है या फिर आपकी जो अगली चाल होती है अपने लिए वो उसको भी नहीं बताना चाहिए। जैसे घर की बातें आप नहीं बताएंगे, जैसे इनकम नहीं बताएंगे, वैसे आगे आप क्या कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे। हाँ, यदि आप ने किसी को आइडलाइज किया है, गुरु मानते हैं और उनसे सलाह मशवरा करें तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जाइए उनके पास जो जागरूक है, जो समझदार है, जो अनुभवी है और वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ये निश्चित करके जाइएगा। गुरु आइडलाइज करना और गुरु का होना, कोई गाइड का होना, मेंटर का होना, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। अनुभवी के पास जाइए, उनसे अनुभव लीजिए, आपके तो दोनों पहलू खुल जाएंगे, चक्षु खुल जाएंगे आपके के अंधेरा भी देख पाए और उजाला भी देख पाए, फिर निर्णय आप खुद लीजिएगा। तो आज की ट्रायंगल थ्योरी मेरी ये कहती है घर की बातें कृपया बाहर ना बताएं
और दूसरा आप इनकम जो कमाते हैं वो ना बताएं, बस ऐसे चलने दीजिएगा, खुश रहिएगा, कमाइएगा इतना कि आप सब में खुल मिलकर अपने परिवार को सुख रख सके, सुखी रख सके और सभी दोस्तों के साथ में हंसते खेलते चलते रहे। और तीसरा, यदि आपको लगता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है और आप कुछ करना चाहते हैं, एक छोटा सा गोल सेट किया है, ऑब्जेक्टिव है, और वो आपको शायद बताना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन किल भी हो जाए, बहुत ज़्यादा फोकस शिफ्ट हो जाए आपका कि नहीं अभी ये ठीक है ये बोल रहा है तो नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग बोले ग्लोरीफाइड है बाबा, ये तेरे से नहीं होने वाला है। तो जिस किसी हाल में आप ये तीन चीज़ को छुपा सके तो आपका भला, आपकी प्राइवेसी, आपकी निजी जिंदगी, आपकी हिसाब तो कंट्रोल आपने लेना चाहिए। अगर खुली किताब की तरह आप सब जगह चलते रहे तो खुली किताब होना गलत नहीं है, लेकिन सब पूरे पन्ने एक साथ नहीं पढ़े जाते और पढ़ने देना भी नहीं चाहिए, है ना? सही, धन्यवाद।